कुंडा इलाके में कोरोना पॉजिटिव महिला मिलने के बाद प्रतापगढ़ के डीएम और एसपी निरीक्षण करने पहुंचे। कुंडा के बरई गांव पहुंचे डीएम ने सीएचसी कुंडा के डॉक्टरों की टीम डॉक्टर रोहित सिंह व डॉक्टर राजीव वैश्य से जानकारी ली। बता दें कि कुंडा के बरई गांव में मुंबई से आई एक महिला की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जिले में हलचल मची हुई है। कल देर रात ही महिला को प्रयागराज के कोटवा में कोविड-19 अस्पताल में भेजा गया, जबकि साथ में आए अन्य 5 लोगों को प्राथमिक विद्यालय बरई में क्वारंटाइन किया गया। देखिए कुंडा से सर्कल रिपोर्टर आनंद शुक्ला की खास रिपोर्ट। कुंडा इलाके में एक कोरोना पॉजिटिव महिला पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया। महिला कुछ दिनों पूर्व मुंबई के धारावी से अपने परिवार समेत कुंडा के बरई गांव आई थी, जहां आने के बाद उसकी तबीयत खराब थी। गाँव वालों ने इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी। सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और जांच के लिए उसका सैंपल लिया गया। सैंपल आने के बाद महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। महिला के पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे ज़िले में हड़कंप की स्थिति मच गई। सूचना पर आज डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे। वहीं महिला को कल रात में ही कोविड-19 हॉस्पिटल कोटवा प्रयागराज भेज दिया गया था। उसके साथ में रहे 5 लोग निगेटिव पाए गए और उसके संपर्क में आए 20 लोगों को भी क्वारंटीन किया गया, जबकि 5 लोग पूर्व से ही क्वारंटीन थे। महिला के पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे बरई गांव को सील कर दिया गया है। 14 दिनों के लिए गांव को सील कर दिया गया है। गांव से न कोई अंदर आ सकता है, न कोई बाहर जा सकता है। ज़रूरी सामानों के लिए प्रशासन सहयोग करेगा। सब्जी, खाद्यान्न और दूध जैसी ज़रूरी चीज़ों को प्रशासन उपलब्ध कराएगा। पूरा तरह सील है। कई थानों की फोर्स गाँव में तैनात है। चारों तरफ से पूरा गाँव सीज किया गया है। वहीं दूसरी ओर आज कुछ और सैंपल लिए गए बरई गांव में। जो उस महिला के संपर्क में 20 लोग आए थे, आज उसका भी सैंपल लिया गया और कुंडा कोतवाली इलाके के ग्यासपुर से भी 6 लोगों का सैंपल लिया गया है। अब इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कुंडा में कितने पॉजिटिव है या कुंडा सुरक्षित है। बहरहाल एक महिला के पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप की स्थिति है और लोग कहीं ना कहीं से भयभीत हैं। बहरहाल सर्कल न्यूज आपसे अपील करता है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घरों में रहें और सरकार द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप काम करें। प्रतापगढ़ से सर्कल न्यूज के लिए आनंद शुक्ला। Thank you.